जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 60 वर्ष वालों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। नया सिस्टम लागू किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। सुन लो सभी, हरियाणा में नायब सिंह सैनी से कर दिया गया। नायब सिंह सैनी ने ले लिया बड़ा फैसला, क्योंकि अब 60 वर्ष का नहीं बल्कि 55 वर्ष का बुढ़ापा पेंशन देने का नया प्रावधान बनाया गया है। हरियाणा में अब 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन की राशि सभी को दी जाएगी। आपको बता दिया जाए कि समाज कल्याण विभाग से एक प्रवक्ता ने यह भी लेटर जारी करते हुए कहा है कि 5 वर्ष का लेसेस करते हुए 5 वर्ष कम कर दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक बुजुर्गों को समय समय पर 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाए। क्योंकि हरियाणा में कई ऐसे बुजुर्ग हैं कि 60 वर्ष के हम लोगों की आयु नहीं हो पाती है और ना ही हम लोगों को बुढ़ापा पेंशन का सुख मिल पाता है। इसीलिए नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 5 वर्ष आयु कम कर दी और 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन का प्रावधान बना दिया है। अभी तक सभी लोगों को 60 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन अब 55 वर्ष से देने का नया प्रावधान बनाया गया है। हरियाणा में अब प्रत्येक बुजुर्गों को 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 60 वर्ष तक उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जिनकी फैमिली आईडी से बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है, वो जल्द से जल्द अपने कागजात को दुरुस्त करा ले, जिससे रुकी हुई पेंशन भी एक साथ जारी हो जाती है। दोस्तों जुड़े रहें एडी न्यूज़ से। एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।